चल रहा है। आप लोगों ने अक्षर तो लिखना सीख लिया है, आज हम उसे ओरल करेंगे और इसे आप बार बार देखकर दोहराओगे मैम कैसे कर रही है। ठीक है, चलो क्या क्या सीखा है हमने। सबसे पहले हमने सीखा है, क्या सीखा है, फिर छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद ऊ, बड़ी ऊ, री, औ, अंग, अह। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। अ, ये क्या है, अ, अ से अनार, अ से क्या होता है, अ से अनार। ये क्या है, आ, ये क्या है, आ, आ से आम, आ से क्या होता है, आ से आम। छोटी ई से, छोटी ई से इमली होती है, मैम बताई थी ना, इमली खट्टी मीठे बैर। बड़ी ई से, बड़ी से क्या होता है, ईख। बड़ी से क्या होता है, ईख। उसे उल्लू, उल्लू की है आंखें गोल, उसे उल्लू। और बड़ी उसे ऊन, ऊन का गोला होता गोल। ऋषि से क्या होता है, सॉरी, ऋषि क्या होता है, ऋषि, ऋषि बैठकर ध्यान लगाता। ऐसे क्या होता है, एड़ी, ऐसे एड़ी। और ऐसे ऐनक, आपके मम्मी पापा दादा दादी घर में तो कोई चश्मा पहनते ही होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐनक, ऐसे ऐनक। उसे ओखली, उसे क्या होता है, ओखली, जिसमें मम्मी कुटाई करती है मसालों को, धान को, चावल को। ठीक है, औ से क्या होता है, औ से होता है औरत, औ से क्या होता है, औरत होता है। देखो मैंने औरत बना दिया, औ से औरत। और अंग से क्या होता है, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। और आहा से कुछ नहीं। ठीक है, इसी तरह से हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, उसे उल्लू, ऊ से बड़ी ऊ से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह से कुछ नहीं। इसको बार बार आप रिपीट करिए और लर्न करिए पिक्चर के साथ, चित्रों के साथ। ठीक है ना, थैंक यू।